बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीसी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान अल्लाह पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। जनता तैयार हो रही है, बड़ी ईद है आज यार, ईद उल अज़हा जिसे कहते हैं ना, वो हम चाइना में मनाने वाले हैं। ईद नमाज पढ़ के वापसी आके सुकून से सोएंगे। ये है हमारी सारे बार दोस्त अब हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई पहुंचे जी, तो हम अभी जा रहे हैं। ठीक है, नई मस्जिद हम पहली मरतबा वहाँ पे जा रहे हैं। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि बड़ा सीन होता है वहाँ पे, कि भाई बड़ी जबरदस्त मस्जिद है। वही यहाँ पे मौसम बड़ा सुहाना बना हुआ है और दोस्त अब हमारा कम्युनिटी गेट पे वेट कर रहे हैं और हम उनके पास जा रहे हैं कि हमने कहा कि 2 मिनट सब्र करें, 5 मिनट में हम आए। जनता की फरमाइश थी कि हमें विलाग में लाया जाए और इरशाद भाई जो है ये फुल टाइम सूटेड बूटेड होके ये पहली ईद यहाँ पे नोश फरमा रहे हैं, ऐसा समझे पहली और आखिरी ईद कह रहे हैं कि भाई अगली ईद मेरी है पाकिस्तान में होगी भाई, बच्चों के साथ। जनता वेट कर रही थी हमारा। वेलकम वेलकम। ये बंदा जो है फुल टाइम चाइनीज में घुसा हुआ है, ये कहता है मुझे विलाग में ना डाला जाए। आज चलते हैं आए ईद नमाज पढ़ने के लिए। तो भाई सबवे में हम पहुंच चुके हैं, तो जनता जो है वो मुझे इंसिस्ट कर रही है कि भाई व्लॉग बनाओ, व्लॉग बनाओ, हमें व्लॉग में जो है शामिल किया जाए, शामिल हाल किया जाए। लाले की पुरजोर फरमाइश पे जो है मैं ये वाला स्टेशन पता नहीं मैं कितनी मरतबा दिखा चुका हूँ, अब दोबारा दिखाने जा रहा हूँ। चलो आज ईद का मौका यार, देख लो ये दोबारा स्टेशन देख लो, क्या याद करोगे यार। तो भाई अर्ची स्टेशन पे हम उतर चुके हैं। ये हमारे साथ एक जो है, अब मैं क्या कहूँ इसको, अभी तो ईद नमाज पढ़ी नहीं है, पहले दे रहा है एडवांस में ईद मार दे रहा है, एडवांस में ईद मार के आया। अच्छा ये बंदा जो हम इसको हमारे इसके चाइना में आखिरी दिन चल रहे हैं, चाइना में आखिरी, ये पाकिस्तान चला जाएगा। आप कैसे महसूस कर रहे हैं आखिरी दिनों में? बस अच्छा अच्छा महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान का जब सोच रहा हूँ ना तो फिर बहुत बुरा महसूस होता है। नियाँ भाग जाओ नियाँ। तो ये चाइनीज हमारे दोस्त हैं, वो बेचारे देख रहे थे तरसी निगाहों से। हमने कहा आ जाएं, आपको भी हम ब्लॉग में शामिल कर देते हैं, अच्छी का आपको लेवल दिखाते हैं। अगर आपने देखा या नहीं देखा, ये है अच्छी टावर, रात को यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मज़ा आता है यहाँ। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बाहर अच्छी मस्जिद के पीछे, आप देख सकते हैं ये सारा ये मस्जिद है। अंदर जाके हम आपको विजिट कराएंगे थोड़ा सा। हमारे पाकिस्तानी भाई बहुत सारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनके साथ भी हम आपको जो है वो कराएंगे। खाने का सामान जो है इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप खा सकते हैं जितना मर्जी चाहे खाएं। थोड़ा के यार ईद नमाज नहीं पढ़ी इसके बाद ये ना हो, ये जो है पैंकना पड़ी है, खाना है ऐसा ही हम भी खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर ऊपर मस्जिद है, हम नीचे इसमें खड़े हुए। तो भाई ईद नमाज पढ़ने के बाद हम बाहर आ चुके हैं, अपने साथियों का वेट कर रहे हैं कि कब वो आएंगे वापसी की आएँ। देखेंगे भाई इस वक्त कुर्बानी का सीन है, कुर्बानी यहाँ पे हम आपको दिखा नहीं सकते। यूट्यूब वाले जो कहते हैं कि आपने कुर्बानी ये फूल नहीं दिखाना, वो काफी आपको नहीं दिखा सकते। तो भाई इसकी कुर्बानी होगी अभी। ईद नमाज पढ़ने के बाद हमारी वापसी हो चुकी है, ये है हमारी जनता पूरे 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 ये आना नहीं चाहता वीडियो में यार, ये लगता तो कमजोर है यार। 15,000 ईद नमाज पढ़ने के बाद ये बंदा ड्रामे कर। अभी हमारी कोशिश ये है कि हम जा रहे हैं सीबीटी टावर, जंगजो में ही है, देखते हैं कि कितनी देर लगती है वहाँ पे जाते जाते। इसके बाद हमने आज प्लान बनाया हुआ है मटन कढ़ाई और मटन जो है मटन कढ़ाई के साथ हमारी क्या डिश है यार, मुझे भूल गई है, मटन टिक्का। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं भाई, मटन पे अगर मिल गया तो मिल गया, तो हम आज वो बनाएंगे। सीबीटी टावर की तरफ हम रवा दवा हैं और सबवे से बाहर जाने वाले हैं, सीबीटी टावर पहुँचने वाले हैं। और इन्वायरमेंट चेक कर सकते हैं आप, माहौल ये भी माहौल है, सबवे के स्टेशन इनके ऐसे हैं तो बाहर इनका जो है वो तो फिर लेवल ही। हम पहुँच चुके हैं सीबीटी टावर। ये सीबीटी टावर के बिल्कुल साथ एक लेक है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। फोटो सेशन भी यहाँ पे, फोटो सेशन करते हैं ना मेडू भाई। सीबीटी टावर में हम आए हुए, इसमें एंटर हो गए, ये पता नहीं अलाउ है या नहीं, बहरहाल हम आ गए। बाहर का व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, नज़र आ रहा है जी आपको,
ये व्यू कमाल का व्यू है, ऐसा लगता है कोई हम फिल्म की कोई शूटिंग कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जो चल रहा है यहाँ पे कोई सीन वीन चल रहा है, जैसे गुंडा होता है मूवी का वो यहाँ पे आके पीछे बैकग्राउंड में ये शो करा रहा होता है कि भाई मेरे इतने बंदे हैं और ये उसको जो है इसको उड़ा दो और ये कर दो वो कर दो, इस तरह की कोई फीलिंग आती है। तो भाई पानी का दिन है तो बड़ा कुछ बनता है भैया, 5 किलो ले। तो भाई हमारी जो ईद की शॉपिंग हो गई है, खाने पीने की गोश्त आ गया, सारा कुछ आ गया, बोतलें आ गई भैया, और ये सोया सॉस बहुत वजन है यार, ये आ गया गोश्त का, गोश्त दुम्बे का गोश्त है भाई ये, पर केजी कितने का है? पर केजी यार बस पूरा मिला है पाकिस्तानी 20,000 का, 20,000 का हमने गोश्त लिया है, 5 केजी 78 RMB पर केजी के हिसाब से हमने गोश्त बाय किया है, गोश्त जो बड़ा गोश्त है ना, चिकन तो थोड़ा सस्ता है, बड़ा गोश्त बहुत महंगा है भाई। अब हम आपको शाम को मिलेंगे इंशाल्लाह, ये शाम की है 4 बजे, इंशाल्लाह शाम को हम तैयारी स्टार्ट करेंगे और ये शाम का खाना जो है। ईद मुबारक, ईद मुबारक, सेकंड शूज बार, ये शूज बार, अरे भाई ये देखिए भाई दस्तरखान लगे हुए हैं भैया, आज तो व्लॉग में तो ये लाऊंगा। ये कम्युनिटी है भाई, ये सामने एक और कम्युनिटी, ये है मिंग युआन और हम जहाँ पे हैं वो थाउली युआन है। ये है जी आज का हमारा रूम टूर, ये जी हमारी मटन कढ़ाई, ये बन रहे हैं जी, एक अपार्टमेंट में चीज़ें मिस है, दूसरे में जाके वहाँ से लेके आओ, जनता जो है 8-10 बंदे हैं वहाँ पे, तो अभी ये हम लेके जा रहे हैं साजो सामान, आइए आपको और नज़ारा कराते हैं अपार्टमेंट का। इन सब चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी का एक हसीन लम्हात में शामिल करना चाहते हैं, इन लम्हों को। स्टेशन भाई भी आ गए हैं, तैयारी जो है अरूज पर है, कटिंग वाले भैया हम लगे हुए हैं, अभी देखने के काबिल नहीं है। अच्छा ये वो गोश्त है, ये डीजे वाले बाबू हैं हमारे, डीजे वाले बाबू, दो डीजे वाले बाबू लगे, ये दो हमारे डीजे वाले बाबू लगे हुए हैं और वीडियो नहीं चल पा रही इनसे, मुझे अपुन को मैदान में आना पड़ेगा भाई, अपुन को मैदान में आना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ भाई। यहाँ पे घर तो है नहीं, जो सारी चीजें हमें एट दैट टाइम और ऑन द स्पॉट मिले, हम लेने आए थे पिंग, उमर पिंग दिखा यार इनको पिंग, मतलब ये पिंग है ऐसा समझो डबल रोटी टाइप, रोटी की जगह पे हम इसको खाएंगे ठीक है, और ये गरम मसाला वगैरह सारी चीज़ें हम अपने अपार्टमेंट में उठा के लाए थे, हमारे दोनों के जिम्मे यही काम है, आपने काम बाहर वाले काम जितने हैं ना वो आपने करके आने, क्योंकि हमें कुछ बनाना नहीं आता, एक जैसे हैं दोनों। उमर कह रहे हैं तो भाई मेहनतों के बाद हमें समर मिल गया है, ये है मटन कढ़ाई और हमारी मटन बिरयानी जो है वो अभी आने वाली है, इसको हम नोश फरमाएंगे भाई। थैंक यू बिलाल फॉर कटिंग, थैंक यू वेरी मच, ईद मना रहे, बड़ा मजा आ रहा है भाई, ये चल रही है पार्टी, कैसा था अली? बहुत आला। यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं अपने व्लॉग को, और आज का दिन बहुत ही जबरदस्त था, बाहर जब ईद गुजारते हैं तो मेरे ख्याल में मेरी पहली ईद जो है जो इतनी इंटरटेनिंग गुजरी है, और घर तो वैसे ही सोते हैं लेकिन बाहर आज हमने बहुत इंजॉय किया है। अब स्प्राइट पी रहे हैं हजम करने के लिए जो खाना खाया है ठीक है, तो हम आपको इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।